वार्डों की समस्या लेकर गए कांग्रेसी पार्षदों एवं भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ओम डोलिया के साथ पुष्कर नगर पालिका की ईओ कीर्ति कुमार द्वारा व्यवहार अच्छा नहीं करने को लेकर पार्षदों और ओम डोलिया ने गहरी नाराजगी प्रकट की है। ओम डोलिया ने बताया कि छोटी बस्ती में नवी नहाने के लिए कोई स्थान नहीं था, इसको लेकर वह पार्षदों के साथ एक ज्ञापन देने गए थे, लेकिन ईओ का जो रवैया था वो अच्छा नहीं था, इससे वह काफ़ी क्षुब्ध है और इसको लेकर वह प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताएंगे। ओम डोलिया ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अब वार्डों की सुध नहीं ली गई तो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। डोलिया ने बताया कि जब से कीर्ति कुमावत ने यहाँ चार्ज लिया है तभी से पुष्कर का विकास रुक गया है। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सफाई नहीं है, सुअरों का इधर उधर जाना यहाँ की पवित्रता को नष्ट कर रहा है। कई बार यो को इसको लेकर कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जरूरी कामों के टेंडर नहीं किए जा रहे हैं और लाखों रुपए के अन्य टेंडर जो बिना काम के हैं वह किए जा रहे हैं। डोलिया ने यह भी बताया कि कीर्ति कुमावत भाजपाई मानसिकता की है और अब अगर लोगों के काम नहीं हुए तो वह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़, देखते रहिए हमारा चैनल। आज हमने ज्ञापन दिया है कि पूरी छोटी बस्ती जिसके अंदर 36 के 36 जात आती है उनके छोटी बस्ती के लिए कहीं भी जो जिसके भी घर के अंदर मौत हो जाती है तो उसके नहाने के लिए अपने हिंदुओं के अंदर 9 दिन बाद के अंदर शुद्धि के लिए नहाते हैं, तो उसके बाद में घर के अंदर शुद्धि होती है तो उसके लिए नहाने के लिए जगह एक जयपुर घाट था, जो जयपुर घाट के अंदर वहाँ ओपन के अंदर हमारी घर की माताएँ बहनें हमारी जो बहुएँ हैं उनको नहाने में वहाँ तकलीफ होती है, तो इसलिए हमने नगर पालिका की जो जमीन है ग्वालियर घाट के अंदर करीब 800 गज, तो हम वो 800 गज जमीन नगर पालिका के माध्यम से हमारे MLA जो पुष्कर के MLA हैं, जो हमारे सांसद है अजमेर के, वो सब पैसा लगाने को तैयार है, तो जमीन नगर पालिका की तरफ से हमने ये रिक्वेस्ट करी कि भाई नगर पालिका की जो जमीन है वो दे दी जाए, तो पूरी छोटी बस्ती की जो 36 की 36 जात है उनके औरतों के लिए आदमियों के लिए नहाने धोने के लिए वो कार्य करने के लिए आ जाएगी काम के अंदर। और नियर पुष्करराज का घाट है, जो कर्म होता है जो भी जिसके प्राणी के निमित्त वो कर्म करने की भी जगह वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। अब इसके बाद में आप अधिशासी अधिकारी के रवैये को लेकर के काफी नकारात्मक लग रहे हैं, उसको अधिशासी अधिकारी जो ये कीर्ति कुमावत को जब से लगाया गया है हमारे सारे कांग्रेस के पार्षद इससे बिल्कुल खिन्न है, क्योंकि इसकी जो कार्यशैली है वो टोटल या इसकी मानसिकता जो है वो टोटल बीजेपी वाली मानसिकता है और टोटल ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता या जो इनके कहने से पार्षदों के कहने से चेयरमैन के कहने से जो कार्य कर रही है उससे सारे कांग्रेसी पार्षदों के अंदर रोष है और इतना रोष है कि कभी भी कुछ भी इस नगर पालिका के अंदर घटना घट सकती है, पार्षद आमरण अनशन के ऊपर बैठ सकते हैं कांग्रेसी पार्षद, क्योंकि ये कभी भी कोई भी हम ज्ञापन देते हैं बस एक ही बात कहते हैं कि मैं टेंडर करवाऊंगी, पर आज तक जब तक ये जब से आई है जब तक आज तक इसने कोई भी कांग्रेसी पार्षदों के या कांग्रेसी वार्डों के अंदर जो भी जैसे मेन सड़क के ऊपर खड्डे पड़े हैं, सुअरों की समस्या है, बंदरों की समस्या है, जो हमारे कांग्रेसी पार्षदों ने जितना लिख करके दिया है इसको ज्ञापन दिया है, आज तक किसी भी ज्ञापन के ऊपर इसने 1% भी इसने विचार नहीं किया, और जबकि इसने आने के बाद के अंदर लाखों रुपए का पेमेंट कर दिया केवल एक दलों के कारण, जो जिनको दलाली मिल रही है 35 से 40% केवल वो सारे पेमेंट किए हैं, इसके अलावा इसने और कोई कार्य नहीं किया पुष्कर नगर पालिका में। अब आगे क्या कार्रवाई? अब आगे कार्रवाई यही है कि अब हमारी सरकार स्थायी हो गई है, अब हम आगे ये मामला लेकर के जाएंगे और इसकी निष्पक्ष ऊपर से जांच करवाएंगे, जो भी दोषी है उसको सजा दिलवाएंगे।